मेरी प्रिय लाडली बहनों प्रणाम। आशा है रक्षाबंधन का पर्व आपने बहुत उत्साह से मनाया होगा। आपको याद होगा 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले हमने राखी का त्यौहार मनाया था और तब मैंने आपको संबोधित करते हुए कहा था कि मेरी लाडली बहनाओं, सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर आपको 450 रुपये में दिया जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि बाद में इस योजना को परमानेंट किया जाएगा। मेरी बहनों, मैंने जो कहा था मैंने कर दिया। सावन के महीने में गैस सिलेंडर जो आपने रिफिल करवाया है वो भी आपको 450 रुपये में पड़ेगा। बाकी राशि मैं आपके खाते में वापस लौटाऊंगा। मेरी प्रिय बहनों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पंजीयन कराना पड़ेगा और पंजीयन मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर होगा। ऐसी बहनों का पंजीयन किया जाएगा जो पूर्व से गैस कनेक्शन धारी हो और यह बहनें उज्ज्वला योजना की लाभार्थी भी हो सकती हैं। पंजीयन के लिए केवल दो जानकारी या दस्तावेज की आवश्यकता होगी, एक LPG कनेक्शन ID और दूसरी समग्र ID। गैस संबंधी पंजीयन उन सभी केंद्रों पर किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन हुआ था, यानी प्रत्येक गांव में और शहरों में, वार्ड में, बड़े शहरों में 2 या 3 स्थान पर वार्डों में और छोटे शहरों में वार्ड में 1 स्थान पर हमने ये केंद्र बनाए थे, उन्हीं केंद्रों पर पंजीयन होगा। शासन भी सभी ऑयल कंपनियों से बहनों के गैस कनेक्शन संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहा है तथा उसे पोर्टल पर 25 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इससे बहनों को अपनी जानकारी देखने में सुविधा होगी। बहनों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिकायत निवारण एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है। लाडली बहनों को जो अनुदान देने की प्रक्रिया है कृपया करके उसको समझिए। पात्रताधारी लाडली बहनों को गैस रिफिल ऑयल कंपनी की विक्रय दर पर ही खरीदना होगा। लाडली बहनों को यह गैस रिफिल 450 रुपया में पड़े इसके लिए अंतर की राशि अनुदान के रूप में उनके बैंक खाते में रिफंड की जाएगी। गैस सिलेंडर पर यह अनुदान लाडली बहनों को प्रतिमाह अधिकतम 1 गैस रिफिल पर मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के खाते में अनुदान राशि ऑयल कंपनी द्वारा डाली जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ये राशि ऑयल कंपनी को दी जाएगी। ऐसी लाडली बहनें जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी नहीं हैं, उनके बैंक खाते में अनुदान राशि सीधे राज्य सरकार डालेगी। सावन के माह में अर्थात 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली लाडली बहनों को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया की तरह होगा। यदि भविष्य में कभी गैस रिफिल करने की दरें बदलती है तो उसके अंतर की राशि की पूर्ति राज्य सरकार करेगी। आओ मेरी लाडली बहनों, इस योजना का लाभ उठाओ और अपने जीवन को और खुशियों से भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।